सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा, द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में ही विटल से द्वारा जो कृषि प्रदेश का विभाजन हुआ है उसका हम अध्ययन करते रहे और आज का बिंदु है व्यापारिक दुग्ध उत्पादक प्रदेश। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ द डे इज अबाउट द कमर्शियल डेयरी फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड एज सजेस्टेड बाय विटल से अमंग द वेरियस एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। व्यापारिक डेयरी फार्मिंग सबसे उन्नत व कुशल प्रकार की कृषि है। दिस डेयरी फार्मिंग इज द मोस्ट डेवलप्ड एंड स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर अमंग द वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चरागाहों में प्रचलित है तथा इसका उदय उत्तर पूर्वी यूरोप में मध्य युग में हुआ। दिस टाइप ऑफ रीजन प्रिवेल्स इन द टेम्परेट ग्रासलैंड जोन्स वेयर एंड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी फर्स्ट बिगैन इन यूरोप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द मीडिएवल एज। अब बात करते हैं इस प्रदेश के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र विश्व में कौन कौन से हैं। वस्तुतः यदि देखा जाए तो ये जो डेयरी के उत्पाद जो हैं यही सारे के सारे प्रदेश जिनकी आज हम चर्चा करेंगे वो विश्व का 90% दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का यहीं से प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के बारे में। वील टॉक अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट्स एंड द मिल्क प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच कॉन्ट्रीब्यूट टू 90% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। सो द एरियाज दैट फॉल अंडर दिस रीजन आर एज फॉलोज। बात करते हैं क्षेत्र के विषय में जो कि हम महाद्वीप अथवा देश के हिसाब से इसका वर्णन करते हैं। पश्चिमी यूरोप की यदि बात करें, वैन वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न यूरोप, वॉट ऑल कंट्रीज फॉल अंडर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रीजन आर नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्दर्न फ्रांस, सदर्न स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। तो पश्चिमी यूरोप के जो इस प्रदेश के अंतर्गत आने वाले देश हैं वो हैं नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी स्वीडन तथा स्विट्जरलैंड। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है उसके बारे में बात बताते हैं। तो जो डेयरी पेटी है वो पूर्व में न्यू इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक विस्तृत है। महान झीलों के सहारे, जो पांच महान झील हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, इन पांचों महान झीलों के सहारे मिशिगन, विस्कॉन्सिन, इलिनॉइस तथा मिनेसोटा क्षेत्रों तक विस्तृत है और प्रशांत महासागर के सहारे इसी संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कैलिफोर्निया में प्रदेश का विस्तार देखा जा सकता है। When we talk about United States of America in North American continent, this dairy belt stretches in the east from New England to New York and it spreads all over around the five Great Lakes of America, that is Superior, Michigan, Huron, Erie and Ontario, and the areas are in this region. The lake region are Michigan, Wisconsin, Illinois and Minnesota, whereas along the Pacific coast it spreads in California also. अब कनाडा की बात करें उत्तरी अमेरिका में ही, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी के सहारे स्थित सेंट लॉरेंस का प्रदेश इस कृषि प्रदेश का ही हिस्सा है। इन कनाडा द अलोंग द डेयरी बेल्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द सेंट लॉरेंस रीजन इज द पार्ट ऑफ फॉलिंग अंडर दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल रीजन। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डाउन्स के जो घास के मैदान है, जो मुरे डार्लिंग नदियां हैं दक्षिण पूर्वी भाग में, उसके सहारे इस प्रदेश का विस्तार देखा जा सकता है। इन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिस रीजन स्प्रेड्स अलोंग द मुरे डार्लिंग रिवर्स, दैट इज द डाउन्स, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिस रीजन स्प्रेड्स।
न्यूजीलैंड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में जो न्यूजीलैंड के दो द्वीपों का विस्तार है मूल, उसमें उत्तरी द्वीप के जो कैंटरबरी मैदान है वहाँ ये डेयरी उत्पादन व्यवसाय जो है, ये प्रदेश जो है कृषि प्रदेश, इसका अवलोकन किया जा सकता है। इन न्यूजीलैंड द टू मेन आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड स्प्रेड टू द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दिस टाइप ऑफ रीजन प्रिवेल्स इन द कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ द नदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। पूर्वी सोवियत संघ की बात करें तो यूक्रेन प्रदेश, कॉकेशस तथा मॉस्को के बाह्य क्षेत्रों में इस प्रदेश का विस्तार है। इन अर्लियर यूएसएसआर सो कॉल्ड द रीजन स्प्रेड्स इन यूक्रेन रीजन, कॉकेश अराउंड द कॉकेशस माउंटेन्स एंड द सबर्ब्स ऑफ मॉस्को। फिर जो गौण क्षेत्र हैं इस प्रदेश के, इन ये प्रमुख क्षेत्रों की बात हमने की, इसके अतिरिक्त कुछ गौण क्षेत्र हैं जहाँ पर ये प्रदेश, इस प्रदेश का विस्तार देखा जा सकता है, वो है पूर्वी अर्जेंटीना, मध्य चिली, दक्षिणी अमेरिका, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका तथा पूर्वी जापान एंड द अदर द सेकेंडरी एरियाज और डेयरी प्रोड्यूसिंग एरियाज दैट फॉल अंडर दिस एग्रीकल्चरल रीजन आर ईस्टर्न अर्जेंटीना, सेंट्रल चिली इन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीकन रीजन दैट इज द वेल्स रीजन इन अफ्रीका एंड ऑल्सो इन ईस्टर्न जापान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिक फीचर्स, जो विशेष विशेषता हैं इस प्रदेश की, उनके बारे में बात करते हैं, जो कि हमने बिंदुगत की हुई है स्लाइड में। तो ये जो इसके विशेषता हैं, इसके जो मुख्य लक्षण है इस प्रदेश की, उनकी चर्चा करते हैं। यह है पूंजी सघन कृषि है, जहाँ मवेशी को ठंड से बचाना या फार्म की अवसंरचना जो करना है, पशुओं के लिए शेड बनाना है या मशीनों के द्वारा दुग्ध का दोहन करना, और इसके साथ साथ जो पशुओं को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं इसमें पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। सो दिस एग्रीकल्चर, दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज कैपिटल इंटेंसिव वेयर सो एज टू प्रोटेक्ट द कैटल फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड और फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फार्म्स, द शेड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फॉर द कैटल एंड द मशीन्स दैट आर यूज टू मिल्क द कैटल एज वेल एज द मेडिसिनल फैसिलिटीज दैट आर टू बी प्रोवाइडेड टू द कैटल। ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर मच ऑफ कैपिटल, सो दिस इज कैपिटल इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। फिर यह श्रम सघन व्यवसाय है, नॉट ओनली कैपिटल इंटेंसिव बट दिस इज ऑल्सो लेबर इंटेंसिव ऑक्यूपेशन। अब ये जो श्रम सघन व्यवसाय की जो बात कर रहे हैं, श्रम का संदर्भ ये है कि पशुओं के प्रजनन, उनके पोषण और दुग्ध दोहन आदि, ये सभी जो क्रियाकलाप हैं ये निरंतर सक्रियता की मांग करते हैं। इसमें जो यहाँ कर्मचारी हैं उनको निरंतर रूप से सक्रिय रहना पड़ता है। एज दिस इज लेबर इंटेंसिव ऑक्यूपेशन, द ब्रीडिंग ऑफ द कैटल, द फीडिंग ऑफ द कैटल एंड ऑल्सो मिल्किंग, ऑल दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर मच ऑफ द इट रिक्वायर्स मच ऑफ लेबर। The workers here need to be very active in all these, in regulating all these activities. फिर प्रदेश विशिष्ट की उच्च उत्पादकता देखने को मिलती है। This region reflects very high productivity. तो जो शीतोष्ण प्रदेश की एक स्वस्थ गाय है, ये हमने जो बोला है उच्च उत्पादकता, तो शीतोष्ण उसका उदाहरण ले लेते हैं कि शीतोष्ण प्रदेश की एक स्वस्थ गाय जो है एक वर्ष में लगभग 3000 लीटर तक दूध प्रदान कर पाती है। सो दिस रीजन इज मार्क्ड विद द हाई प्रोडक्टिविटी एंड द प्रोडक्टिविटी इन द स्पेशलिटी दैट द वन हेल्दी काउ of the temperate region of temperate part of this region provides nearly 3000 liters of milk per annum.
देरी प्रदेशों में उच्च स्तरीय वाणिज्यिकीकरण देखने को मिलता है, जिसमें पशु सुधार तथा वैज्ञानिक विधि प्रबंध द्वारा लाभ भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। द डेयरी रीजन गिव्स द ग्लिम्स ऑफ हाई ग्रेड कमर्शियलाइजेशन वेयर द कैटल ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड द साइंटिफिक मैनेजमेंट एड्स टू द प्रॉफिट ऑफ द रीजन। डेयरी फार्म पर दुग्ध उत्पादन के साथ संबंधित उत्पाद का भी उत्पादन किया जाता है। दिस रीजन डज नॉट सिंपली प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द मिल्क प्रोडक्शन बट ऑल्सो द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन मिल्क आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन दीज रीजन्स। कुछ स्थानों पर दुग्ध की अपेक्षा दुग्ध पदार्थों का विशेषीकरण देखने को मिलता है। एंड इन दिस रीजन एट सर्टन प्लेसेस द स्पेशलाइजेशन इन वेरियस बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क इंस्टेड ऑफ मिल्क कैन बी वेरी वेल विजुअलाइज्ड। नगर से दूर स्थित क्षेत्रों में दूध की अपेक्षा अन्य उत्पादों जैसे मक्खन पनीर घी आदि का वर्चस्व रहता है। इन द एरियाज दैट आर दैट लाई रिमोट टू द सिटीज दैट लाई फार अवे फ्रॉम द सिटीज द स्पेशलाइजेशन कैन बी फाउंड एंड द डिमांड ऑल्सो नॉट ओनली स्पेशलाइजेशन द डिमांड इज दैट मोर ऑफ बटर चीज़ घी एट्सेट्रा। और उसका कारण यही है क्योंकि दुग्ध जो है जल्दी ख़राब हो जाने वाला तत्व है। बिकॉज मिल्क इज़ पेरिशेबल देयरफोर डिमांड ऑफ पनीर ऑफ चीज़ बटर एंड घी इज़ मोर इन द रिमोट एरियाज़। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रशीतन तथा पाश्चरीकरण और संरक्षण विकसित होने से नगरों में भी दूध की मांग बढ़ गई है। केवल ऐसा नहीं है कि दुग्ध उत्पादों की मांग हो, अन्यथा दूध की भी मांग बढ़ गई है। प्रेजेंटली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कोल्ड स्टोरेज पैश्चराइजेशन एंड कंजर्वेशन द डिमांड ऑफ मिल्क इज ऑल्सो राइजिंग इन द सिटीज नॉट ओनली द बाई प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। सामान्य डेयरी उत्पाद वितरण का क्रम जो होता है इन प्रदेशों से सर्वप्रथम थोक व्यापारी जो हैं ये दुग्ध और दुग्ध उत्पादों को एकत्रित करते हैं, फिर ये फुटकर व्यापारी तक पहुंचाते हैं और अंततः जाकर के उपभोक्ताओं तक दूध और दुग्ध के उत्पादों का वितरण होता है। When we talk about the generalized form of the distribution of the dairy products, that is milk and the byproducts, first of all, the milk and byproducts are collected by the wholesalers, then it is provided finally to the retailers, and ultimately it is distributed to the consumers. So this is the distribution pattern which can be visualized in this agricultural region. डेयरी उत्पाद विशेषीकरण में प्रदेश भिन्नता देखने को मिलती है एंड अ वाइड वेरिएशन कैन बी विजुअलाइज्ड इन द डेयरी प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दीज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके उदाहरण ले लेते हैं, यूके तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में दूध की अधिक मांग होती है। मोर डिमांड दैट ऑफ मिल्क इज इन UK, United Kingdom, as well as United States of America. New Zealand, Australia में मक्खन पनीर उत्पाद अधिक की मांग बनी रहती है। In New Zealand and Australia, more demand prevails that related to the butter and cheese. Therefore, specialization in the production of butter and cheese is found in New Zealand and Australia. फिर इसका जो अंतिम पक्ष है इसकी प्रदेश की विशेषताओं के संदर्भ में, वो है थोड़ी सी समस्या का कि घटती हुई आय तथा बढ़ते हुए उत्पाद जो हैं उनके कारण से कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना इस प्रदेश को करना पड़ रहा है। एंड द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द रीजन द ओनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द रीजन इज दैट द प्रोडक्शन इज वेरी हाई एंड the amount the finances received from the product is less at times.
So this was about the commercial dairy production region of the world as suggested by Whittlesey. तो ये था Whittlesey के द्वारा जो व्यापारिक दुग्ध उत्पादक प्रदेश के विषय में विवरण।